कैप्टन कूल अनूप कुमार एक सफल कैप्टन रहे हैं, उनकी कैप्टनसी को सभी ने सराहा है। आइए सुनते हैं अनूप कुमार से, एज कैप्टन उनका मंत्रा क्या है, कैसे संभालते हैं वो अपनी टीम को। अगर कैप्टनसी की बात करें तो शायद ही कोई आप जैसा कैप्टन पूरे प्रो कबड्डी लीग में होगा, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या मंत्रा है आपका, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पसंद करते हैं आपके साथ खेलना और आपने उनके करियर को बहुत ही निखारा है अच्छे तरीके से, तो कैसे सब मैनेज करते हैं आप? मैनेज तो देखो ग्राउंड पे हो जाता है। मैं कोई भी प्लेयर हो, ग्राउंड में उतरने के बाद मैं ज़्यादा एक तो किसी को धमकाता नहीं, ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलता, बहुत प्यार से बताता हूँ जो भी बात बतानी है। अगर गलती भी करता है कोई प्लेयर तो उसको थोड़ा प्यार से बताता हूँ, प्यार से समझाता हूँ। तो शायद यही कारण है कि सभी प्लेयर मेरे साथ खेलने के लिए खुश होते हैं कि अनूप के साथ हम लोग खेलें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई गलती भी करें तो भी वो उसमें मोटिवेट करता है, ना कि मॉरल डाउन करता है। तो यही एक थोड़ी वजह है शायद सभी प्लेयर चाहते हैं कि हम अनूप कुमार के साथ खेलें। और सर आपने इतने ये सारे सीजन्स खेले, तो अल्टीमेटली अगर आपको मैसेज देना हो यंगस्टर्स को या नए जो युवा हैं जो कबड्डी के क्षेत्र में आना चाहेंगे, तो वो क्या मैसेज होगा आपका? मैं तो सभी जो भी यंगस्टर हैं हमारे जो कबड्डी की तरफ मतलब देख रहे हैं या कबड्डी खेलना चाहते हैं जो या जो खेल रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गेम मेहनत देखो बहुत ज़्यादा सभी करते हैं, सभी खिलाड़ी मेहनत करते हैं, सभी स्टार नहीं बनते। कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे खूब मेहनत करते हैं उसके बाद भी इतने ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। पर एक अच्छी तरीके से मेहनत करना, पूरे जो हमारे कोचेज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, वो जो हमें बात बताते हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुनना, उसके ऊपर हमें प्रैक्टिकली करके देखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि ये है कि थोड़ा सा कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो जूनियर हो चाहे सब जूनियर हो या फिर वो सीनियर में आके खेले, थोड़ा सा ध्यान रखें कि एग्रेसिव ज़्यादा ना हो, क्योंकि गुस्सा हमेशा ख़राब करता है। ग्राउंड में अगर हम गुस्सा करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल तरीके से खेलें ग्राउंड में, शांति से खेलें, और जो भी हमारे ग्राउंड में सीनियर है या जूनियर है, ये भी कोई बात नहीं कि सीनियर अगर हमारे साथ खेल रहा है, सीनियर जो बताए वो बात बिल्कुल सही हो। कई बार ऐसा होता है कि जूनियर कोई बात बताता है और वो बात भी हमें देखनी चाहिए कि हाँ ये बात सही कह रहा, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हो सकता है जूनियर के बताने पे हमें कुछ अच्छा हो जाए और एक थोड़ी सी उस जूनियर की बात पे हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो सभी यंगस्टर को ये कहना चाहूँगा कि कबड्डी पहले वाली कबड्डी नहीं रही है, प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को बहुत ऊपर पहुँचा दिया है, स्टार स्पोर्ट्स इतनी मेहनत कर रहा है, हमारी फेडरेशन इतनी मेहनत कर रही है। तो कबड्डी में अगर खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल खेल सकते हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं जो पहले कबड्डी की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, बच्चों को खेलने नहीं देते थे, उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कबड्डी में लेके आएँ, कबड्डी खिलाएँ, ताकि वो कल को आपका अपने देश का नाम रोशन कर सकें कबड्डी के जरिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।